मणिपुर की घटना है जो पूरे देश, पूरे प्रदेश, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी कहीं ना कहीं निंदा हो रही है। कितने शर्म की बात है कि आज जहाँ मोदी जी नंबर वन की बात करते हैं देश की, बात ये करते हैं कि इस देश में बिल्कुल अमन और शांति है, बिल्कुल ये देश में इतना बढ़िया चल रहा है कि हर आदमी खुश है, ऐसे विषय में कहीं ना कहीं मणिपुर की घटना बहुत शर्मनाक है। अरे महिलाओं को जिसको हम अपनी माता मानते हैं, अपनी बहन बेटियां, जिसका हम मान सम्मान करना हमारे पूर्वज ने सिखाया, आज उस देश में उन बहन बेटियों की कहीं ना कहीं इज्जत के साथ खिलवाड़ होकर आ गया। आज सोकम चैसंग के साथ साथ तमाम जितने जनसंगठन है आज पूरे देश, पूरे प्रदेश में इस मणिपुर घटना का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पे कि मोदी जी अभी तक तो आप नहीं बोले, अरे बोलने की बहुत दूर की बात, कार्रवाई तक नहीं करी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मणिपुर का ये कह रहे हैं कि ये घटना आम घटना है। इस तरीके के वाक्य आज भाजपा सरकार में देखने मिलते हैं, बड़े शर्मनाक की बात है। इस घटना से लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? देखिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब से ये भाजपा आई है एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, हमें नहीं पता था, इस पब्लिक को नहीं पता था, इस देश की जनता को नहीं पता था कि बेटी बचानी भी है। हमने नहीं पता था कि इन ऐसे जैसे दरिंदे जो बीजेपी के, आप देखो ना आए दिन भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके वर्कर क्यों दलित और महिलाओं के इस शोषण में पाए जा रहे हैं, ये सीधे सीधा अटैक है। कहीं ना कहीं भाजपा की ये एक एजेंडा है, उनकी मानसिकता है दलितों को, महिलाओं को रौंदना उनका जनता, और ये भी ज्यादा दिन ये खेल नहीं चलेगा। ये भाईचारा जिस तरीके का उन्होंने खराब करा है, ये भाईचारा ज्यादा ये लोग खराब नहीं कर पाओगे। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। मोदी जी आपके जो घड़ियाले आंसू है ना, ये ज्यादा दिन अब नहीं बह पाओगे, इस तरीके का इलाज लिया जाएगा। मणिपुर जैसी घटना अगर दुबई के ऊपर नहीं लिया गया तो पूरे देश में एक आक्रोश होगा और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ, अपनी बहनों और बेटियों के साथ हम लोग सड़कों से और सड़कों पर आने का हम लोग काम करेंगे इस तरीके से। मणिपुर के अंदर जो एक इतनी घटना हो रही है, सड़कों के अंदर बेटियां को सबको सरेआम नंगी करके नाच नचाया गया है, और मोदी सरकार की वहां सरकार है और मोदी सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस तरह नंगा नाच सड़कों के ऊपर लगा रहे हैं और सरेआम गोलियां मार रहे हैं, हम सारा सांझा मोर्चा अन्नदाता किसान यूनियन के जितने भी हमारे पदाधिकारी और जितने भी हमारे संगठन सीपीएस है जो लाल झंडे वाले सब है, सारे मिलकर आज हमने कमेटी चौक पे आज एक बहुत बड़ा पुतला जलाया है। ये आज हमारी शुरुआत है, ये हर जगह पे जाएगी, जगह जगह पे ये पुतले जलाए जाएंगे और मोदी सरकार का वहाँ मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए।